But if you close your eyes. Hello students, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC Commerce Buzz। दोस्तों आज हम अपने 11th क्लास की बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 7 के Part-2 की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने बिजनेस फाइनेंस के अंदर दो सोर्स के नाम पढ़े थे, हमने ओनर्स फंड एंड सेकेंड बोरोड फंड। ठीक है, जो ओनर्स फंड था उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट पार्ट हमने कर लिया था, रिटेन अर्निंग बचा हुआ है उसको हम करेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रिफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों ने देखे तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए आज हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। तो कंपनी के पास क्या होता है, सबसे लास्ट में सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, सारे टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट के दो हिस्से कर देती है कंपनी। ठीक है, जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसके दो पार्ट कर देती है। एक पार्ट तो एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है, दूसरा पार्ट अपने पास बचा के रख लेती है, क्योंकि सारा पैसा तो बांटेगी नहीं, है ना। तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ओनर्स को बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग के नाम से बचा के रख लेती है। ये क्या काम आता है, ये रिटेन अर्निंग का पैसा फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जब मार्केट में मुझे एडवर्स कंडीशन चल रही है, कोई मुझे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो पैसा कहां से उठाता हूँ, रिटेन अर्निंग का पैसा यूटिलाइज करते हैं बिजनेस को फ्यूचर में फाइनेंस करने के लिए। समझ आ गया कौन सा होता है रिटेन अर्निंग, यानी कि नेट प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो मैंने बचा के रख दिया फ्यूचर इन्वेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस में काम आएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। बस उसी को लैंग्वेज पढ़ते हैं। रिटेन प्रॉफिट आर ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट बचा कर देना। रिटेन अर्निंग सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग रिजर्व और सरप्लस, इसके अलग अलग नाम बताए मैंने। रिटेन अर्निंग रेफर टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया है। आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड पेड करने के बाद, टैक्स पेड करने के बाद लास्ट में जो बचता है, इट्स प्रोवाइड बेसिस फॉर एक्सपेंशन। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं तो उसके लिए हेल्प करेगा, एंड ग्रोथ ऑफ दी कंपनी, कंपनी की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट्स इंटरनल जनरेटेड मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इंटरनल जनरेटेड है, कोई एक्सटर्नल से बाहर से पैसा नहीं उठाना पड़ता, अपना ही पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी कोई कॉस्ट नहीं होगी, कोई डिविडेंड पेड नहीं करना। ये सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी आएंगे। आइए सबसे पहले से क्या पढ़ते हैं, कम ऑन क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, फीचर्स। लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। सबसे पहला फीचर वही होगा, एडवर्स कंडीशन के अंदर जब मार्केट से पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कहां से पैसा उठाते हैं, रिटेन अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट वो लिखा हुआ, पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट, फंड फॉर द न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, किसी को पता है कि प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, नई टेक्नोलॉजी आई है वो रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में तो पैसा कहां से लेके आए उसके लिए। तो रिटेन अर्निंग का जो पैसा बचा के रखा हो प्रॉफिट में से, दूसरे प्रोजेक्ट में से, वो उसके अंदर यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही फाइनेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फोर्थ पॉइंट, कन्वर्जन इंटू ओनर्स फंड, कह रहा है कि रिटेन अर्निंग के पैसे को बहुत ज्यादा अगर पड़ा हुआ है तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स बांट सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा पैसा तो आउटफ्लो होगा ना इनफ्लो होगा, लेकिन हमारे शेयर कैपिटल, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, तो कह रहे कन्वर्जन इंटू ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री में बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज भी है, तो आइए एडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। लेट्स स्टार्ट, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स है। पहली बात तो बाहर आउटसाइडर पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है, खुद पे ही डिपेंड कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड, है ना। अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, कहो सुनिए ना, लेकिन अपने ऊपर ही डिपेंड है, ये नहीं कि भाई साहब किसी के हाथ चलाएंगे जब पैसा मिलेगा तो बिजनेस करेंगे, नहीं, मोर डिपेंडेबल, खुद पे डिपेंड है। सेकेंड, नो कॉस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता इसके ऊपर, कोई डिविडेंड पेड नहीं करना, इक्विटी डिविडेंड कुछ पे नहीं करना, कोई कॉस्ट नहीं होती, कितना फायदेमंद है। नो फिक्स्ड लायबिलिटी, यानी कि ऐसे भी लिखा हुआ और भी कि भाई इसको राइज करने के बाद, सेकंड पॉइंट में आ रहा वाले पॉइंट कि आपको ना कोई इंटरेस्ट पे करना है ना कोई आपको डिविडेंड पे करना है, पहले वाले में आप ले सकते हो नो कॉस्ट के अंदर।
ना कोई प्रस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, इसके लिए ना कोई एडवर्टाइजमेंट इशू करने पड़ते हैं, राइजिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नो इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं कि भी किसी और के पैसा है वो, कोई इंटरफेयर करने आ जाएगा, खुद का ही पैसा हमारा, नो वन कैन इंटरफेयर आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। फिफ्थ, नो सिक्योरिटी, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता पैसा लेने के लिए। सिक्स्थ, गुडविल, अपना ही पैसा, रिटेन अर्निंग का पैसा यूटिलाइज करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए, इट्स जनरेटर गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी गुडविल बढ़ाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आइए इसके बाद करते हैं डी मेरिट्स की, जिस चीज के एडवांटेज है उसके डी मेरिट भी होते हैं। आइए फर्स्ट, केयरलेस यूज, खुद का पैसा है ना तो कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ना कोई डिविडेंड पे करना, उड़ाओ अंधा पैसा है ना, तो कह रहा है कि केयरलेस यूज होता है ऐसे पैसे का, ठीक है। सेकंड, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, मतलब प्रॉफिट किसका है, ओनर्स का है, ओनर को पैसा ना बांटकर कंपनी अपने पास बचा के रख लिया है, शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ऐसे में अपने शेयर्स का पैसा ड्रॉ बैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिक्स, ओवर कैपिटलाइजेशन, जब बोनस शेयर बांटते कंपनी फ्री में तो वहां पे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, यानी ज्यादा कैपिटल बन जाती है, शेयर ज्यादा रहते हैं। इम्बैलेंस ग्रोथ, इम्बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है, जब कंपनी, बड़े ध्यान से सुने इसको, कम ऑन, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उनकी इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो किसी और कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर पाएंगे वो, किसी और कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर पाएंगे तो दूसरी कंपनी के पास फाइनेंस का पैसा नहीं आ पाएगा, और फाइनेंस का पैसा नहीं आ पाएगा तो इम्बैलेंस ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि एवरी ईयर अगर आप शेयर का पैसा डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड के फॉर्म में बांट रहे हो तो ठीक है, बैलेंस ग्रोथ होगी, अगर आप पैसा नहीं बांट रहे हो, अपने आप बचा के रखे जा रहे हो तो ऐसे में इम्बैलेंस ग्रोथ होगी, ठीक है। ये आपका हो गया रिटेन अर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं ओनर्स फंड के अंदर ही दो तीन और मेन कॉन्सेप्ट, जो शॉर्ट नोट 100% एग्जाम में आएगा, इन दो में से कोई एक, गारंटेड, लिख के ले जाओ, ठीक है। आइए नंबर वन, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जो बोलते हैं GDR, ठीक है, ये भी एक ओनर्स फंड का ही सोर्स है। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट आर इश्यूड अगेंस्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर शेयर इश्यू करना, ठीक है। These are the indirect equity offering. Indirect equity offer होती है। The equity shares issued against GDR are held by an international bank called depository. करें इक्विटी शेयर इश्यू होते GDR के अगेंस्ट में और held by इंटरनेशनल बैंक होल्ड करते हैं, पकड़े रखते हैं इनको, ठीक है, इसे बोलते हैं डिपोजिटरी, जो बैंक होते हैं। द कंपनी इश्यू डिविडेंड, द कंपनी डिविडेंड इश्यू करते हैं, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करती है रिगार्डिंग दिस शेयर टू द बैंक ओनली, बैंक को रिपोर्ट पब्लिश करेगी, कोई भी रिपोर्ट देगी कंपनी को अपने शेयर्स के बारे में, डिविडेंड देना बैंक को देगी, डायरेक्ट शेयर होल्डर से कोई वो नहीं है, तो ये कह रहा है कि पीछे बोला सुने इनडायरेक्ट है, ठीक है। दिस शेयर्स आर कॉल्ड डिपोजिटरी शेयर, इन शेयर क्या बोलते हैं, डिपोजिटरी शेयर बोलते हैं। द होल्डर ऑफ दिस शेयर डू नॉट गेट वोटिंग राइट, कम ऑन, इन शेयर होल्डर को क्या नहीं मिलता, वोटिंग राइट नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दीज शेयर्स इज इन डॉलर, एक डॉलर के फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है, ठीक है, रुपीज की फॉर्म में होती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है इसका अल्टरनेटिव नेम में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, सिटी बैंक ने 1990 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। द ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट आर इंट्रोड्यूस बाय द सिटी बैंक इन 1990, मेन फीचर्स क्या होते हैं GDR के, कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इन द फॉरेन करेंसी, क्या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में पैसा कलेक्ट होता है पहली चीज। नंबर टू, इशू प्राइस ऑफ GDR इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्स, GDR का रेट फिक्स होता है इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स पे, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। नो वोटिंग राइट हो चुका है, GDR आर इजिली ट्रांसफरेबल टू द स्टॉक एक्सचेंज, इनको बड़े आसान से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको सोल्ड किया था $150 बिलियन में, ठीक है, वर्थ ऑफ GDR 1992 में इसको इशू किया था, ठीक है, रिलायंस ने। आइए अब इसका मैंने कहा था ना दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो हो गया आपका GDR, दूसरा हो गया ADR, ठीक है। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपोजिटर्स रिसिप्ट, नाम से जो क्या लिखा हुआ है अमेरिकन, तो मतलब मेन कुछ समझ जाओ कहां पे डील होता होगा, ये US में ही डील होता होगा। तो ADR जस्ट लाइक GDR, क्या बिल्कुल GDR की तरह है, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इश्यूड टू सिटीजन ऑफ USA ओनली, लेकिन ये यूएसए के सिटीजन को ही इश्यू होते हैं।
दैट इज ओनली अभी लिस्टेड में यूएस स्टॉक, लिस्टेड भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं। शेयर्स बाय द कंपनी हेल्ड बाय एनी इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिट, जिस भी इंटरनेशनल बैंक के पास के शेयर्स होंगे उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है। विच आर रिसीव्ड, वही क्या करेगा, पिछली बात है, वही डिविडेंड रिसीव करेगा उनके बिहाफ पे, वही कोई रिपोर्टिंग होगी वही एक्सेप्ट करेगा। एडीआर सब्जेक्ट टू द मच स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट देन जीडीआर, एडीआर ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाला है एज कम्पेयर टू जीडीआर, ठीक है। द यूएस स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि यूएस स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एडीआर मच हायर देन जीडीआर, जब स्ट्रिक्ट रूल होंगे तो क्या होगा उसकी मेंटेनेंस, अकाउंटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पिछले वाला कौन था जीडीआर, ठीक है। एन एडीआर इज एन इंडियन डॉलर डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट, एन अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज द डिपोजिटर कैन इश्यू एडीआर, जो अमेरिकन बैंक जो फंक्शनिंग कर रहा है वो एडीआर इश्यू कर सकता है। इसके साथ ही आपका शॉर्ट नोट वाला मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बाई चांस एक थर्ड वाला हो सकता है कभी कभार आ जाए। आईडीआर, ठीक है, आईडीआर क्या होता है, इफ ऑल्सो एक जीडीआर, ये भी जीडीआर की तरह एक्सेप्ट दैट इज इश्यू टू सिटीजन ऑफ इंडिया, पिछले वाला किसके लिए था अमेरिकन सिटीजन के लिए, ये किसके लिए इंडियन सिटीजन के लिए, थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनीज राइज फंड फ्रॉम द इंडियन मार्केट, इंडिया के मार्केट को शेयर इश्यू करके वहां से पैसा ले सकते हैं इंडियन मार्केट से। फॉरेन कंपनी आईडीआर विल बी डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटर्स, वो पैसा कहां जमा करेंगे इंडियन डिपॉजिटर, इंडियन डिपॉजिटर मतलब इंडियन बैंक, द डिपॉजिटर इश्यू रिसीव टू द इन्वेस्टर इन द इंडिया, वो डिपॉजिटर को देगी और डिपॉजिटर इंडिया के इन्वेस्टर्स को दे देगा, ठीक है। द डिपॉजिटर इश्यू रिसीव टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दिस शेयर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर एन इश्यू ऑफ आईडीआर, इंडियन सबसे पहले किसने कहा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी ने सबसे पहले इसको इंडिया में किया था। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, इश्यू कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन होम कंट्री, जो भी कंपनी इश्यू कर रही है होम कंट्री के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। नॉट प्रोहिबिटेड, और ना ही किसी ने उसको प्रोहिबिटेड मना ना कर रखा हो इंडिया में शेयर करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी रेगुलेटरी, इट हैज नेट टेंजेबल एसेट्स ऑफ एट लीस्ट 3 crore इन द 3 year कंटिन्यूअसली, उसकी टेंजिबल एसेट्स पिछले 3 साल से लगातार 3 crore से ज्यादा की होनी चाहिए। इट मस्ट हैव नेट वर्थ 1 crore, उसकी नेट वर्थ 1 crore से ज्यादा होनी चाहिए प्रीसीडिंग 3 years में, ये आपका आईडीआर हो गया। इसके साथ ही हमारा ओनर फंड वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म। अब बात करते हैं बोरोड फंड की। बोरोड फंड मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है ना, पब्लिक डिपॉजिट कराना, ये सारे इसके तरीके हैं। तो आइए बोरोड फंड के मेरिट्स क्या है, अगर रेडली अवेलेबल किसी भी टाइम कभी भी कोई सब्जी अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल फॉर एवरीवन, फ्लेक्सिबल, जितना मर्जी पैसा चाहो उठा लो जितना मर्जी वापस कर दो, फ्लेक्सिबल है, अलग अलग रेट पर अलग अलग अवेलेबल होते हैं। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको राइज करने की इसके अंदर डील करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, प्रारंभिक लागत, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग की राइज करने की कॉस्ट वो बहुत कम होती है। लिमिटेशन क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस, समटाइम्स सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जब वो इस सोर्स से पैसा उठाता है बोरोड फंड से तो सामान को महंगा पड़ता, महंगा पड़ता तो प्राइस बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और लीगल एक्शन इन द ट्रेड क्रेडिट, बायर जनरली इश्यू अ प्रॉमिसरी नोट एंड इन केस ऑफ फेल्स टू मीट द कमिटमेंट सप्लायर में टेक लीगल एक्शन, यानी कि इस सिचुएशन में लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर आपका पेमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तो, ठीक है। ये आपके मेरिट एंड डीमेरिट हो गए किसकी, बोरोड फंड की। बोरोड फंड कितना बंदा फाइनेंस करेगा, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द फर्म, स्टेटस एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट की। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट, पीडी है ना, जनरल पब्लिक से पैसा मांगना, नॉट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर्स की फॉर्म में नहीं होता है, ध्यान रखो, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट रेफर टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड होता है भाई, क्लियर सुन लो क्या बोला, अनसिक्योर्ड। इनवाइट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से मांगा जाता है, ए कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे ले लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी बंदा चाहे तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके डिपॉजिट कर सकता है मनी कंपनी के पास, ये हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट। इसके फीचर्स क्या है, पहला पॉइंट क्या बोला उसने, अनसिक्योर्ड है, वेरी वेरी सिंपल अनसिक्योर्ड, पहले बता चुका हूं कोई गिरवी चीज नहीं रखनी पड़ती। सेकंड, फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मोस्टली पब्लिक डिपॉजिट का यूज फिक्स कैपिटल फाइनेंस के लिए नहीं किया जाता, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए फाइनेंस किया जाता है इससे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 6 months to 2-3 years तक होता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ,
सिंपल प्रोसीजर टू राइज, इसको राइज करने वाला सिंपल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करो, सिंपल एडवर्टाइजमेंट दो तो पैसा आपके पास आ जाएगा सिंपल प्रोसीजर से। रीपेमेंट तो आपको कैसे करोगे, तो वही सिंपल सा पॉइंट लिखा, 10% हर एक साल के लास्ट में 10% अमाउंट सिक्योर करोगे, जब कंप्लीट हो जाएगा टाइम तो उसमें से उसकी पेमेंट कर दी जाएगी सिंपल। अगर फायदा क्या है, वही सेवन फीचर में प्रॉफिट इसके बेनिफिट निकल जाएंगे, एडवांटेज कमोन क्या बोला एडवांटेज, सिंपल प्रोसीजर्स वही बात लिखी है जो ऊपर बोला था, सिंपल प्रोसीजर्स है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, बहुत ज्यादा हाई चार्ज नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं होता इसके, इकोनॉमिकल है, इसको राइजिंग करने की कॉस्ट भी कमी है और इसका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कमी होता है, ठीक है। देन द सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। रिडक्शन द टैक्स लायबिलिटी, इसको एज ए एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, जब हम एज ए एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारी इनकम कम होगी और इनकम कम होगी तो हमारा टैक्स कम के पे करना पड़ेगा, तो कह रहा है कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, वेरी वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, जितना मर्जी पैसे चाहो वापस कर दो ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पर्मनेंट डिपॉजिट कैन बी रिपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब जरूरत नहीं है उसको पैसा वापस कर दो, फ्लेक्सिबल है। नो डिल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक डिपॉजिट्स हैव नो वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होगा तो आपकी कंपनी के वर्क को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, तो बेनिफिशियल डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। आइए अब इसके डीमैट की बात करते हैं। लिमिटेड अमाउंट, पब्लिक डिपॉजिट तो बहुत ज्यादा अमाउंट पैसे ला सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट भी फाइनेंस कर सकते हो आप इसकी फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट अनसर्टेनिटी, कह रहे कि ये पैसा अनसर्टेन होता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट इज एन अनसर्टेन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, डिपॉजिटर्स में नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड नहीं करते, कई बार अपना पैसा वापस विड्रॉ कर लेते हैं रिसेशन के टाइम पे, आर्थिक तंगी के टाइम पे। थर्ड सुटेबल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं, अच्छा नहीं, सही नहीं। नो सुटेबल फॉर द न्यू कंसर्न, नई कंपनी के लिए भी सुटेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पैसा राइज नहीं हो पाता, ठीक है। काफी सारे पॉइंट देखे तो आपको चार पॉइंट करने हैं, फिर बता देता हूँ। सुटेबल फॉर द कन्वर्जन इन्वेस्टर्स ओनली, करेंगे हाँ, ये जो पैसा है कंजर्वेटिव एडवेंचर्स इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए नहीं होता, जो कंजर्वेटिव नैरो सोच वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है, तो ये आपका डिमेरिट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बोर्ड फंड में डिवेंचर्स, डिवेंचर भी एक तरीके से शेयर्स ही होते हैं लेकिन वो ओनर्स का फंड होता है, लेकिन ये आउटसाइडर लायबिलिटी के बैंक लोन होता है, एक तरीके से क्या होता है, ये बैंक लोन होता है ना, जैसे उस तरीके से पब्लिक से पैसा मांगा जाता है डिवेंचर की फॉर्म में, यानी कि पब्लिक से लोन लेने एक तरीके से, ठीक है। डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एडवाइजिंग डेट वेदर द कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स और नोट, ये गिरवी भी रख के ले सकते हैं, बिना गिरवी रखे भी ले सकते हैं इनको, ठीक है। ए डिवेंचर कैन बी डिफाइन एज अ डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील, एक कंपनी सर्टिफिकेट इश्यू करती है अपने डिवेंचर होल्डर्स को, इज नोन एज ऑफ द डेट, कि हाँ हमने आपसे पैसा ले रखा है उधार पे, ठीक है। होल्डर ऑफ द डिवेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर, जिसके पास डिवेंचर होता है क्या बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, जिसके पास शेयर होते हैं क्या बोलते हैं शेयर होल्डर, वेरी सिंपल, ठीक है। आइए फीचर्स की बात करते हैं, तो ये नंबर वन ओनर्स फंड है, बोरोड फंड है, कम ऑन कौन सा फंड है ये बताओ, तो ये बोरोड फंड है, यानी कि बोरो करना पड़ता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फिक्स होता है कि 8% है, 9% है, 12% है, 15% है, 20% है, फिक्स रेट होता है, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी भले ही डूब रही हो लॉस में जा रही हो लेकिन इंटरेस्ट उसका पे करना, उसका ब्याज जो पे करना है उसको एक साल के बाद हर महीने जो भी पे करना है तो पे करना ही करना है, वेदर द कंपनी हैव प्रॉफिट और लॉस कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता उसको। सिक्योरिटी गिरवी भी रखनी पड़ सकती है, नहीं भी रखनी पड़ सकती है, तो अलग पॉइंट हो गया। रिडीमेबल, मैं चाहूं तो अपने डिबेंचर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर सकता हूं या फिर कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी उसका पैसा वापस करना पड़ता है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, ठीक है। नो वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। नंबर वन सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर वो होते हैं जिसके बदले में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सिक्योर रखी हुई है, तो क्या है वो, जिसमें गिरवी रख के सामान लिया हो, पैसा लिया हो, तो सिक्योर डिवेंचर है। सेकंड क्या आगे, अनसिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर कौन से होते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर वो होते हैं जिसके बदले में कोई चार्ज एसेट्स चार्ज ना करी हो, गिरवी ना रखा हो, क्या है आपके अनसिक्योर्ड है। थर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर, क्या बोला मैंने, कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जो फ्यूचर में जाके अपनी क्लास में 10% डिवेंचर से 9% डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर डिवेंचर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं।
नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, वेरी वेरी सिंपल। आइए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज, लो कॉस्ट, मतलब कि बस 8% 9% साल के इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंपनी बहुत से प्रॉफिट में चल रही है तो बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सा ब्याज बहुत सारा पैसा मिल जाता है, तो बहुत कम कॉस्ट होती है इसकी। नो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, वोटिंग राइट नहीं होता तो आप एक वर्क को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर पाते। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसा डूबने का खतरा नहीं होता, तो इस सिचुएशन में ज्यादा इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लोग डिबेंचर खरीदने चले जाते हैं फिर, ठीक है। इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, पीछे वाली की बात की तरह तो इसके इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस माइनस करेंगे तो भाई टैक्स रेवेन्यू कम होगी, ठीक है, कम होगी। थर्ड, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, कम होता है, लो होता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। इसका डीमेरिट क्या है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट का पैसा पे करना है तो करना है, भले कितना ही उसमें चल रहा हो, ठीक है। रिडक्शन इन द क्रेडिबिलिटी, जितना ज्यादा पैसा उठाते जाओगे डिबेंचर होल्डर से उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी, मार्केट से पैसा राइज करने की लिमिट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। थर्ड, चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स गिरवी रखनी पड़ती है, तो ऐसे में ये डिसएडवांटेज है इसका। नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं होता डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को नुकसान होता है, क्योंकि भी क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ नहीं पाते कंपनी के अंदर, है ना, तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए। तो आइए अब हम बात करते हैं शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले क्या करना है, एक बेस का कॉलम, दूसरा शेयर का कॉलम, तीसरा डिबेंचर का कॉलम, हमेशा याद रखो। सबसे पहले नेचर, कहेगी शेयर्स आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड बट डिबेंचर्स आर द पार्ट ऑफ बोरोड फंड। स्टेटस कैसा होता है, शेयर होल्डर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, ये कंपनी के मालिक है, क्या बोलते हैं, कंपनी के मालिक है, ओनर है शेयर होल्डर, बट डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बस कोई मालिक वालिक नहीं है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। कंट्रोल, शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट टू रिटर्न, शेयर होल्डर्स को जितना प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा रिटर्न मिलेगी, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को 100% लीगली उसको पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। प्लस अगर लॉस हो गया कंपनी को तो कोई राइट नहीं है शेयर अपना पैसा डिविडेंड देने का, ठीक है, लेकिन डिबेंचर केस में लॉस हो जाए प्रॉफिट हो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी, शेयर के ऊपर कोई एसेट सिक्योर नहीं रखे जाते, डिबेंचर के ऊपर सिक्योर रख भी सकते हो नहीं रख सकते, ठीक है। रिडेम्पशन, शेयर्स के भी रिडीम नहीं होते, बायबैक होते हैं, बट डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एंड कन्वर्ट, ठीक है। रिस्क कितना होता है, शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, बट डिबेंचर होल्डर्स के पास बहुत ज्यादा कम मिनिमम रिस्क होता है, तो नहीं होता, ठीक है। ये आपका हो गया शेयर्स और डिबेंचर का डिफरेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स, है ना। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं खाली डिबेंचर की फॉर्म में पैसा ले सकते हैं, हम बैंक से पैसा ले सकते हैं ना लोन की फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है, बैंक से लोन ले सकते हैं हम, और उसके फीचर्स क्या होंगे, इजीली अवेलेबल है, है ना। कह रहे कि मैनेज ऑफ कमर्शियल बैंक के फायदे क्या है, बैंक प्रोवाइड फंड टू फर्म्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जब तक पैसा ले सकते हो। बैंक कीप द इन्फॉर्मेशन बोरोड कॉन्फिडेंशियल, आपके जो बोरोड खराब है उसको कॉन्फिडेंस देता है, किसे बताता नहीं जाके, ठीक है। मिनिमम सिक्योरिटी होती है, नो फॉर्मेलिटीज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको कभी से पैसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, गए और लेके आ गए। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स, बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स है, जितना चाहो जितना मर्जी चार्ज ले सकते हो, जितना वापस करना चाहो वापस कर सकते हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लिमिटेशन क्या है, कह रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है मोस्टली। बैंकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, कह रहे हैं बैंकर्स लोन देने से पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है बैंक को। इन सम केस बैंक में पुट रिस्ट्रक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशन, कई बार बैंक बहुत डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमर्शियल बैंक से सिंपल से पढ़ लो, कुछ नहीं है। अब करें पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये की बात अलग अलग है, बिल्कुल साफ सी बात अलग है, पब्लिक से पैसा मांगना, बैंक से पैसा लेना बिल्कुल ही अलग है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, गो थ्रू करते हैं। सिक्योरिटी के बेस पे, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्न बाय, करा पब्लिक डिपॉजिट को कंपनी एक्ट गवर्न करता है, और कमर्शियल बैंक से लोन लेने को आरबीआई कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट का कम होता है, बैंक का ज्यादा होता है, ठीक है। पीरियड के लिए क्या होता है, अप टू 3 ईयर, पब्लिक डिपॉजिट 3 साल तक अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो
समझते हैं बैंक से पैसा उठाते हैं वो नॉर्मली शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए ही अवेलेबल होता है। ठीक है, सुटेबिलिटी किसके लिए, अगर आपकी कंपनी गुड रेपुटेशन मार्केट में बहुत बढ़िया रेपुटेशन है तो आपको भी डिपोजिट से पैसा उठाइए, क्या जरूरत है बैंक के पास जाने की। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, नई कंपनी है, तो आप बैंक से पैसा उठाइए। ठीक है, सिक्स पॉइंट, सिक्योरिटी। पब्लिक डिपोजिट में सिक्योरिटी नहीं रहती लेकिन कमर्शियल बैंक के अंदर सिक्योरिटी सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, अब कह रहा है कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कह रहा है गारंटीड लोन होता है, कह रहा है कि सिंपल सी बात है, वो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना कि जो लोन प्रोवाइड करते हैं, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही करते, तो लोन प्रोवाइड करते हैं, बड़ा बेसिक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, मैनेजर एडवाइज है, बड़ा सिंपल सा अंडरराइटर्स वगैरह कुछ नहीं है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है, फैक्टर कीप कैप्ट इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कह रहे कि इतने सारे फाइनेंस के सोर्स पढ़ लिए उन्हें, शेयर्स, डिवेंचर, प्रिफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंकों से लोन लेना, कमर्शियल बैंक से, तो इतने सोर्स पढ़ लिए, पैसा कहां से उठाए, कंफ्यूजन हो गया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड कि पहले सबसे पहले देखिए कौन से वाले सोर्स में कॉस्ट किसमें ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा कम कॉस्ट होगी हम उस वाले सिलेक्शन को प्रेफरेंस देंगे अपनी कंपनी कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, सेकेंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी, कि कंपनी की बोरोड करने की कैपेसिटी कितनी है, वो रीपे कर सकती है नहीं कर सकती है ना, वो रजिस्टर्ड कंपनी है, शेयर इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी या नहीं इशू कर सकती है, तो कैपेसिटी देखनी पड़ती है। फर्म इज फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, देन इट मे प्रेफर टू बोरोड फंड। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन बहुत बढ़िया है, आज बहुत पैसा है, टेंशन ना लो, तो जाएगा बोरोड फंड सबसे बढ़िया, मैं इंटरेस्ट देते रहो टाइम टू टाइम और चीप भी पड़ेगा, सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस दीजिए, इसके ऊपर प्रॉफिट होगा तो आप रिटर्न कर दीजिए, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रन करते हो, पार्टनरशिप रन करते हो, तो आप डिवेंचर्स और शेयर्स की फॉर्म पैसा नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आपकी कंपनी है तो डिवेंचर और शेयर्स की फॉर्म पैसा उठा सकते हो। टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड लॉन्ग अवेलेबल है तो डिवेंचर और शेयर्स ओके है, अदरवाइज आप बोरोड फंड की तरफ जाइए अगर लेस टाइम अवेलेबल है। शॉर्ट पीरियड के लिए आपके लिए शॉर्ट पीरियड में क्या बढ़िया, आपके पास ट्रेड क्रेडिटर, फैक्टरिंग, शॉर्ट पीरियड लोन, ये सब बेस्ट है। लॉन्ग पीरियड के लिए सीए डिवेंचर वगैरह सुटेबल है। रिस्क इन्वॉल्व, ओनर फंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व द नो रिस्क, ओनर्स फंड के अंदर कंपनी के लिए कोई रिस्क नहीं है लेकिन बोरोड फंड के अंदर कंपनी के लिए बहुत रिस्क है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी इंटरेस्ट पे करना है, लॉस होगा तो भी पे करना है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है आपको, कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर, अगर भाई आप चाहते हो हमारे बिजनेस के ऊपर कोई और फंड कंट्रोल करे तो इक्विटी शेयर बेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आउटसाइडर कंट्रोल ना करे तो क्या बेस्ट है, तो आपके पास डिवेंचर्स बेस्ट है, पब्लिक डिपॉजिट बेस्ट है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म, समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट पीरियड के लिए देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए देना चाहिए। ठीक है, द कंपनी रिस्ट्रिक्शन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, और ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट रुक जाती है। ठीक है, तो जो जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रेफर ना करे, वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट को प्रेफर करे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक से ले। ठीक है, क्लेम ओवर द एसेट्स, डिवेंचर केस में एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, और क्या बोलते हैं आपका कमर्शियल बैंक के केस में गिरवी रखना पड़ता है, पब्लिक डिपॉजिट और शेयर होल्डर के केस में कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता, तब चाहते हो गिरवी रखे या नहीं रखे तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट डिवेंचर के अंदर और कमर्शियल बैंक के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट तीनों के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते। इसी ये हमारा हो गया नेचर, हमारा किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हम कौन से बैंक से पैसा उठाएं। एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया छोटा सा, वो क्या रह गया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोरोड फंड का एक पार्ट है। कई बार दो कंपनी बराबर में चल रही तो आपस में दूसरे की हेल्प कर देते हैं एज ए लोन प्रोवाइड करके, तो ये इसको भी पढ़ लेते हैं। डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी, द ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर द ऑल पब्लिक कंपनी, सब कंपनी के लिए अवेलेबल है, वेदर हैविंग द कैपिटल और नॉट, भले उसकी कैपिटल हो और नॉट, शेयर कैपिटल है या नहीं है। इट्स इंक्लूड व्हेन द कंपनी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी सिक्योरिटी चाहिए हो तब ऐसा यूज करते हैं। व्हेन कंपनी गिव लोन टू अनदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है। व्हेन कंपनी गिव गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइडिंग लोन टू द अनदर कंपनी, या फिर थर्ड पार्टी, दो बंदा उसको लोन दे रहा है ये उसको गारंटी दे रही है। ठीक है, तो
इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटरकॉर्पोरेट डिपोजिट। इंटरकॉर्पोरेट डिपोजिट तीन तरीके के होते हैं, नंबर वन थ्री मंथ डिपोजिट, सिक्स मंथ डिपोजिट और कॉल डिपोजिट। थ्री मंथ डिपोजिट के अंदर 12% चार्ज होता है आपके पास इंटरेस्ट, सिक्स मंथ डिपोजिट के अंदर 15% होता है और कॉल डिपोजिट जब मर्जी जैसे मर्जी सिचुएशन अवेलेबल हो सकता है उसके ऊपर 10% आपके पास चार्ज होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। कहीं पे भी कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताइए, रिक्वेस्ट 100% सॉल्व करूंगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो आपको पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। But if you close your eyes